बैक्टीरिया, ओके। अबाउट बैक्टीरिया वी विल डिस्कस अ मोर पॉइंट्स, ओके। फर्स्ट इज हैबिटेट, हैबिटेट, ओके। सो बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरीवेयर, ओके, इवन इन सॉइल, एयर, सॉइल, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, सब में मिलते हैं। इनके एग्जिस्टेंस इज ऑल ओवर द प्लेसेस, ओके, इनसाइड द बॉडी एंड ऑन द बॉडी और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। नेक्स्ट इज आफ्टर हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, ओके। सो वी विल डिस्कस थ्री पॉइंट्स, फर्स्ट साइज, सेकेंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज न्यूट्रिशन, ओके। थर्ड वन इज न्यूट्रिशन, ओके। साइज, द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.0 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन, ओके, 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। माइक्रोन बहुत छोटी यूनिट होती है, ओके। इट इज 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000th, एक पार्ट को 1000 हिस्से में करिए, एक मिलीमीटर को 1000 पार्ट्स करिए और उसका एक पार्ट उठाइए, इतना छोटा होता है माइक्रोन, ओके। सो देयर साइज इज बिटवीन इन दिस रेंज, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ओके। सो द आउटर कवरिंग, कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया इज कैप्सूल लाइक, सो इट इज कॉल्ड कैप्सूल। दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल, ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग, ओके। इनसाइड द आउटर मोस्ट कवरिंग यू हैव क्लियरली सीन ग्रीन कलर्स लाइनिंग इन दिस पिक्चर, सो दिस इज सेल वॉल, ओके, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल इज रिजिड, ओके, एंड इनसाइड द सेल वॉल वन मेम्ब्रेन यू हैव क्लियरली सीन दैट, दिस वन, ओके, लाइट कलर्ड और समवॉट लुकिंग वाइट इन कलर, ओके। सो दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मीन्स दिस प्रोटेक्ट्स, दिस इज वर्किंग एज सेक ऑफ दिस फ्लूइड, ओके। इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मा इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्मा इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, ओके, कोलाइडल इन नेचर। इट मीन्स सम पार्टिकुलेट्स और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये बैक्टीरिया के सेल का ये यूनिसेल्युलर है, इसके लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स इमर्ज्ड हैं या सस्पेंडेड है, ओके। सो यू हैव क्लियरली सीन दैट ब्लूइश इन कलर दैट पार्ट, ओके, दिस इज न्यूक्लियर मटेरियल, ओके। ये क्या है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ओके। सो इसके पास में कोई वेल डिफाइंड मार्जिन नहीं है, बस यूं ही ऐसे ही न्यूक्लियर मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है, डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह जो इसमें पड़े हुए हैं, ओके। फिर उसके अलावा आपको एक स्मॉल राउंड शेप पार्टिकल्स दिख रहे हैं, सो ऑल दीज पार्टिकल्स आर राइबोसोम्स, ओके। राइबोसोम्स आर यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ओके, एंड कम हियर न्यूक्लियोइड्स ऑल्सो प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड और वन मोर प्लाज्मिड्स, ओके, स्मॉल पार्टिकल्स अलॉन्ग विथ राइबोसोम्स, ओके, स्मॉल पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, दे आर प्लाज्मिड्स, ओके, एंड प्लाज्मिड्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ओके। दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज फ्लैजिला, ओके, एंड ये स्पाइन्स दिख रहे हैं जो वो उसके पिलाए हैं, ओके, पिलाए और फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव करते हैं, ओके, उनमें वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करते हैं, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इट इज यूनिसेल्युलर, ओके। थर्ड, न्यूट्रिशन, ओके। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया
कांट फॉर्म देयर फूड, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, बट अ फ्यू कैन मेक देयर ओन फूड्स. ओके, लेटर विल बी डिस्कस हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. ओके, सो वी विल डिस्कस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक और ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज. ओके, सो फर्स्ट इज मतलब हम बैक्टीरिया को जो क्लासिफाई करेंगे वो अलग अलग नजर से करेंगे, अलग अलग व्यू से करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ शेप. This picture shows the classification of bacteria on the basis of their shapes. Okay, उनके shape के base पे हम इन्हें इस तरह से classify करते हैं. So when bacteria is in round shape or spherical shape, so it is spherical shape bacteria. Okay, so cocci is the example. Okay, they are all the bacteria are unicellular or uni single cell से बने हुए हैं, बहुत tiny है. ओके, सो दीज आर द स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. ओके, दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया. ओके, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेसिलाई. इन्हें क्या कहते हैं, कोकाई. ओके, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकाई एंड ये दीज आर वेसिलाइज. ओके, तो सेल्मोनेला एंड इकोलाई इज द रॉड शेप वेसिलस. नेक्स्ट इज स्फेरिकल स्पाइरल और स्पिरुलियम. ठीक है, सो दे आर स्पाइरल इन शेप लाइक दिस. ओके, दे आर स्पाइरल इन शेप. ओके, सो प्रोटोजोआ इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज विब्रियो. ओके, विब्रियो दे आर हैविंग कोमा शेप. ओके, इनमें एक कोमा शेप टाइप स्ट्रक्चर होता है. इनके एक पोलर ये फ्लैजिला है. ओके, सो फ्लैजिला की हेल्प से ये वाइब्रेशन के थ्रू मूव करते हैं. ओके, तो ऑल दीज वाइब्रियो बैक्टीरियाज आर मोटाइल बैक्टीरिया आल्सो. ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप. नेक्स्ट इज बी इज ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of nutrition pattern. Okay, nutrition pattern. Nutrition pattern मतलब उनकी nutrition, वो अपना nutrition, अपना food कैसे लेते हैं, कहां से लेते हैं, इस बेस पे हम उनको classify करेंगे. Okay, so first is autotrophs and second is heterotrophs. Okay, autotrophs and heterotrophs. Auto means खुद से. Okay, so autotrophs bacterias are those bacterias which made their own food. Okay, how they form, how they produce their food. Autotrophs is further classified two category. Okay, first is phototrophs and second chemiautotrophs. Okay, photo is something related to light, sunlight. Photo यहां पर किससे relation है इसका, sunlight से. ओके, सनलाइट से. एंड केमिकल से रिलेशन है, समथिंग रिलेशन विथ केमिकल्स. ओके, सो फोटोट्रॉप्स आर दोज बैक्टीरियाज इन विच क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे फॉर्म देयर फूड, दे प्रोड्यूस देयर फूड. एंड केमी ऑटोट्रॉप्स,
केमियोटोट्रोप्स बैक्टीरिया हैविंग सम पिगमेंट्स, ओके, दैट पिगमेंट्स इज फाइकोसाइनिन, ओके, फाइकोसाइनिन, दैट पिगमेंट इज फाइकोसाइनिन पिगमेंट, ओके. इनके पास में क्या होता है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट होता है, साइनिन पिगमेंट होता है, ओके. तो व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन हैपेंस, सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन केमिकल रिएक्शन, सो दे दीज पिगमेंट्स यूज दैट एनर्जी विच वर प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी दे फॉर्म देयर फूड, ओके. दे डोंट हैव क्लोरोफिल, ओके, बट द एनर्जी रिलीज इन एनी केमिकल रिएक्शन दे यूज दैट एनर्जी एंड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स दे फॉर्म देयर फूड. नेक्स्ट, हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स आर दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट फॉर्म देयर प्रोड्यूस देयर और मेक देयर फूड एंड दे डिपेंड्स ऑन द होस्ट, ओके, दे डिपेंड्स ऑन द होस्ट, ओके. सो होस्ट आर टू टाइप्स, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड डेड ऑर्गेनिज्म. डेड ऑर्गेनिज्म में क्या है, प्लांट हुए, ह्यूमन बॉडी हुई, ये डेड ऑर्गेनिज्म है, ओके. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये अपना खुद उनके, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुद अपना फूड लेते हैं, मतलब बनाया किसने, होस्ट ने बनाया और इन्होंने उसको यूटिलाइज किया, ठीक. एंड सेकेंड वाला जो है उसमें वो जो भी डेड एनिमल या जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसको, जैसे शुगर हुआ, प्रोटीन हुआ, उसको डिकम्पोज करके ये अपना खाना खाते हैं, ओके. सो फर्स्ट इज पैरासाइट. पैरासाइट्स टेकिंग फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके. और सेकेंड वन इज सेप्रोफाइट्स, ओके. सेप्रोफाइट्स टेकिंग फूड फ्रॉम डेड मटेरियल और डेड ऑर्गेनिज्म, ओके. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ओके. नेक्स्ट इज सी. ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, ओके. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन. सी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन. सो अगेन एरोबिक एंड एरोबिक एंड एरोबिक, ओके, एरोबिक एंड एनएरोबिक मींस फॉर रेस्पिरेशन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ओके, एंड दे नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ओके, क्लियर है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन दे आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, एरोबिक एंड एनएरोबिक. एरोबिक रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरिंग, ओके. डी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोर्टिलिटी, ओके. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टिलिटी, ओके. मोर्टिलिटी मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टिलिटी मोटाइल होना मतलब मूव करना, मूवमेंट्स, ओके. सो सिंपल, मोटाइल एंड
सेकेंड इज नॉन मोटाइल. ओके, सो मोटाइल बैक्टीरिया हैविंग सम और सम स्ट्रक्चर विच विल हेल्प इन मूवमेंट. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पिलाए और फ्लैजिला, और फ्लैजिला दे कैन मूव, है ना, एंड दे डोंट हैव एनी सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर अ मूवमेंट. क्लियर है? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ई, दैट वाज दैट द ई. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो दे कैटेगराइज इन टू क्लासेस, दैट इज फास्ट ग्रोइंग एंड सेकेंड वन इज स्लो ग्रोइंग. ओके, फास्ट ग्रोइंग एंड स्लो ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग एंड सेकेंड वन इज स्लो ग्रोइंग. ओके, फास्ट ग्रोइंग एंड स्लो ग्रोइंग. ये फास्ट ग्रोइंग है, इतनी फास्ट इनमें रिप्रोडक्शन होता है कि मिनट्स या सेकेंड्स ही लगते हैं इनको. ओके, फॉर एग्जांपल जो हमारा सुडो स्यूडोमोनास ये जो बैक्टीरिया है, इससे मल्टीपल होने में 9.5 मिनट्स का टाइम बस लगता है. ये डिवाइड होते जाता बहुत फास्ट. ये क्या है? फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया है. और सेकेंड है जो कि बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो स्लो ग्रोइंग के लिए ये है साइकोबैक्टीरियम रियम ट्यूबर कुलाई एंड साइको बैक्टीरियम लेप्री. ओके, ये वो स्लो ग्रोइंग एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के. मीन्स ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं. आप ये सोचे कि हम माइक्रोस्कोप लेके बैठते हैं, या हम आज हमारा एक पीरियड है प्रैक्टिकल या कुछ भी, हम उसमें इनकी डिवीजन देखते हैं या ये कैसे फर्दर मल्टीप्लाई होते हैं, वो आप नहीं देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत स्लो, मतलब तुरंत में तो नहीं देख सकते हैं, इनमें टाइम लगता है. ओके, सो दीज आर द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट इज दीज आर द टॉप टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्राउंड्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. ओके, रिप्रोडक्शन कैसे इनमें होता है हमें ये देखना है. सो सबसे पहले बैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर. ओके, एंड दे हैव अनडिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर न्यूक्लियस. ओके, अनडिफाइंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो भी है, डीएनए उनके हैं, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में. क्लियर है? सो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. ओके, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. मेथड क्या है इनकी? बाइनरी फिशन की मेथड. बाइ मतलब दो, टू. ओके, बाइनरी फिशन, दो में टूटना. क्लियर है? सो सबसे पहले इनका जो फेवरेबल कंडीशन, व्हेन दे हैव सम फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मींस टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर,
these are the favorable condition of bacteria and they have sufficient nutrition. At that time their cell will going to be dissociated. Okay, so reproduction occurs by division of the nucleus. Okay, so first suppose this is the bulk of or we represent this part as nuclear material. Okay, so DNA replication in higher classes you will study DNA replication. It means आप ये समझ सकते हैं कि जो reproduction के लिए responsible material है एक किसी cell में. Okay, so वो उसको अब further divide होने की process start हो गई है. So सबसे पहले तो ये दो में divide होगा. Okay, फिर दो में divide मतलब virtually अपने को अपन कह सकते हैं separation नहीं हुआ है, but ये cell बड़ी होना होगी. ये जो सेल बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो बड़ी होने लगती है. ओके, सो ये एलोंगेशन ऑफ सेल विल बी अपर एंड आफ्टर दैट अ सेपरेशन सेप्टम लाइक दिस. ओके, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पार्ट और सब न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियर. ओके, सो यहां पर एक सेप्टम फॉर्मेशन होगा. Septum formation occurs and ये जो है ये separate होने लगेंगे. ये जो एक था दो में divide होगा, फिर दो हो जाएगा और उसके बाद ये क्या बनेगा, two daughter cells बनेंगी. Okay, two daughter cells बनेगी और उनमें ये chromosomes जो है वो same पेरेंट के पास अनडिफाइंड न्यूक्लियस था, इनके पास भी अनडिफाइंड न्यूक्लियस होगा. सो दे विल मल्टीप्लाई लाइक दिस वे अगेन. फिर ये टू में, ये टू में, फर्दर वो दोनों और दो में जाएंगे. मीन्स इस तरह से ये दो में बाइनरी डिवीजन लाइक दिस. सो दे मल्टीप्लाई इन ह्यूज अमाउंट. ओके, तो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन प्रोटेक्शन. ओके, मींस व्हेन फेवरेबल कंडीशन दे हैव दे विल रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई. ओके, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन और व्हेन दे हैव लैकिंग ऑफ न्यूट्रिशन एट दैट टाइम दे प्रोटेक्ट देयर जनरेशन. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन प्रोटेक्शन. जनरेशन प्रोटेक्शन, हाउ दे प्रोटेक्ट देयर जनरेशन और देमसेल्फ, दे मेक अ आउटर कवरिंग, आउटर स्ट्रॉन्ग कवरिंग. ओके, आउटर स्ट्रॉन्ग कवरिंग दे फॉर्म. So this is called endosphere. This is called endosphere. Outer strong covering. This is called endosphere. Endosphere. Okay. What this covering is called endosphere. So endosphere के में ये छुप के बैठ जाते हैं. कब? जब इनके पास unavoidable condition होती है या कोई adverse situation मिलती है, adverse condition होती है. एडवर्स कंडीशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लो टेम्परेचर हो गया, मतलब इनकी बॉडी के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसके उससे बहुत हाई या बहुत लो. ओके, सो ये अपने छुपाने के लिए कवरिंग कर लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एंडोस्फियर. एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया ब्रेक दिस कवरिंग एंडोस्फियर एंड कम आउट एंड फॉर्म एंड रिप्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, large extent. Okay, so this is the generation protection. Okay, next topic is useful bacteria. Next topic is useful bacteria. Okay,
बैक्टीरिया. ओके, वी नो सम ऑलरेडी वी डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर दैट इज सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल फॉर ह्यूमन और लिविंग थिंग्स एंड सम आर हार्मफुल फॉर देम. ओके, सो यूजफुल बैक्टीरिया में फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट. ओके, यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट लाइक क्या, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा. ओके, सो मिल्क प्रोडक्ट कर्ड पनीर बनाने में कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है. इफ यू टेक सम मिल्क, मिल्क इन लुकवॉर्म, ओके लुकवॉर्म, लिक्विड मिल्क लेके हम उसमें यदि 1 स्पून कर्ड, CURD कर्ड, हम इसने 1 स्पून हमने इसमें कर्ड पोर किया. ओके, एंड कीप इट इन वार्म प्लेस. ओके, कीप द कंटेनर इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours. ओके, आफ्टर दिस ड्यूरेशन यू कैन सी ऑल द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड. Okay, so what this changes happen by lactobacillus bacteria. Okay, with the help of lactobacillus bacteria means curd में lactobacillus bacteria होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी multiple होके पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट. ओके, सेकेंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, यूज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, सेकेंड इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन. सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस एक कैटेगरी है प्लांट्स की, उसके जो प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जांपल पीस, पल्सेस, ऑल दीज आर बीन्स, ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके, इन प्लांट्स की जो रूट होती है उनके रूट्स में we will see clearly some nodules are present. Okay, some nodules are exist in the root of these leguminous plants. Okay, in mein ye jo nodules hain, in nodules mein bacteria hote hain, aise bacteria jo atmosphere ke nitrogen ko, ye kya hote hain, nodules hain. Theek hai, in nodules mein bacteria hote hain jo atmosphere ke nitrogen ko एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कुछ न्यूट्रिएंट्स और हम कह सकते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे आर कंटेनिंग नाइट्रोजन. ओके, सो दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स हैविंग नोड्यूल्स एंड बैक्टीरिया इज एग्जिस्ट और प्रेजेंट इन दीज इनसाइड द नोड्यूल्स, सो दे दीज बैक्टीरिया कैप्चर और एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द or atmosphere and convert it into fertile substance and mix with the soil. Okay, so ye nitrogen ko fix karke ek fertile substance mein convert karte hain jo ki soil mein rehte hain, kyunki ye root mein hai, root mein means soil ke andar hai, to wahi ki bhai unhone fertile substance produce kiya hua hai. Okay, so by this way they help us to make soil fertile. Okay, next is in liquor industry mein bhi ye kaam aate hain. Okay, third is in liquor
एक लिकर मीन्स वो बेवरेजेस ना, लिकर इंडस्ट्री ओके, लिकर बनाने में काम आएंगे. नेक्स्ट इज इन जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री ओके. ये जूट तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन जूट में से फाइबर को सेपरेट करने के लिए ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो काम आते हैं ओके. एंड फिफ्थ फार्मास्यूटिकल यूज, फार्मास्यूटिकल यूज मतलब फार्मास्यूटिकल मीन्स रिलेटेड टू मेडिसिन ओके, मेडिसिन से रिलेटेड. तो मेडिसिन तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ही, वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या उनसे कुछ केमिकल एक्सट्रैक्ट करके हम मेडिसिन बनाते हैं ओके. एंड सम अदर कंपोनेंट वी विल प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लाइक साइट्रिक एसिड, ग्लाइसरॉल, ग्लाइकॉल, ऑल दीज आर प्रिपेयर बाय द फार्मास्यूटिकल बैक्टीरिया ओके. एंड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर also produced by the microorganism okay. So this is the useful bacteria okay, how they help us, us or living organism okay. We will study next microorganisms, viruses okay. Virus, what they are, virus is a most primitive microorganism. Primitive means हम यदि सोचे शुरुआती या सबसे पहला okay? सबसे पहला okay? Primitive, सबसे सिंपल, सबसे छोटा, सबसे मतलब शुरुआत माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यदि कहें तो यही से ग्रेजुअली हम मान सकते हैं okay? They are not linked with each other, but these are the primitive primitive livings. मतलब यदि हम सोचे कि जो लिविंग थिंग्स हैं तो शुरुआती समझ लो इनसे ही ओके. सो दिस इज द मोस्ट, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग among all the livings, it is considered as primitive okay. So these are the microorganism okay, means viruses are considered as the bridge between living and non living thing. Matlab kabhi shuru mein ya kabhi ye confusion bhi hota hai ki yaar ye living hai ya non living hai, matlab ye unke bridge ka kaam kar rahe hain, unke beech mein hum inhe consider karte hain okay. So they are considered as the bridge between living and non-living creatures okay, living creatures and non-living things ke beech mein ye bridge ka ek kaam kar rahe hain okay. So next, the size of viruses, their size is in between micron to 0.2 micron. See, too much smaller than bacteria. Okay? इतने छोटे होते हैं इनका साइज है ओके. नेक्स्ट इज शेप, दे आर फाउंड इन मैनी शेप्स ओके, राउंड, राउंडेड वायरस, वायर शेप रॉड लाइक स्पेरिकल, spherical shape, cuboidal shape, so many shapes they have okay. So these are the shapes of viruses okay. Next is structure okay. They don't have any cell like structure like bacteria have okay. They don't have cell like structure means they don't have cell wall, they don't have cytoplasm or nucleus or plasma membrane okay. So what they contains
they contain simply genetic material red with protein, red with protein, simple, कोई सेल नहीं है इनमें, बट सिंपल जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल है ये कैसे पता चला? बिकॉज दे डिवाइडेड इनटू इन थाउजेंड्स नंबर. ओके, दे मल्टीप्लाई. ओके, सो दे मल्टीप्लाई इन थाउजेंड. सो बाय दिस वे वी कंसिडर दैट दे हैव जेनेटिक मटेरियल. ओके, नेक्स्ट इज size, shape, and next point is the reproduction. Okay, reproduction in viruses simple, they do not multiply until they don't have any host cell. Okay, means they are inactive if they are not found in host cell. Okay, but as their introduction into the host cell immediately, बिल्कुल जैसे ही host cell में गए हैं, तुरंत immediately they multiply in thousands. Even they kill the host cell also. उसमें इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं ये, एक समय में एट अ टाइम दे डिवाइडेड इनटू थाउजेंड्स नंबर्स. ओके, एंड दे किल द सेल आल्सो. कौन सी सेल? होस्ट सेल को भी खत्म कर देते हैं, इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द रिप्रोडक्शन. ओके, सो विदाउट एनी होस्ट सेल दे कांट multiply or divide or reproduce. Okay, next is characteristic. Characteristics. Okay, so first, they do not make their food. ये अपना food खुद नहीं बनाते हैं. So they used enzymes or nutrients present in the host cell. जो भी host cell है इनकी, जिस पे ये रहते हैं, उनके जो enzymes और nutrients हैं, उसे ये use करते हैं. Even उनकी machinery को भी use करते हैं. Machinery means उनमें जो life processes होती हैं host cell में, उनसे जो energy मिलेगी या उनसे जो भी nutrients produce होते हैं, ये उसे लेते हैं. वो उनका फूड है. ओके, ये खुद नहीं प्रिपेयर करते, तो एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ये सरवाइव करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में कॉजेस डिजीज. कॉज डिजीजेस. सो मेनी डिजीजेस कॉज बाय viruses like AIDS. Okay, you know about the AIDS. AIDS is viral disease. Okay, bird flu, common cold, tuberculosis. So many diseases are caused by the viral infection. Okay, next is first, second, and third is some of the viruses live in
थर्ड इज सम ऑफ द वायरस द वायरसेस लिव ऑन बैक्टीरिया लिव ऑन बैक्टीरिया एंड दे ईट द होस्ट सेल ओके मीन्स दे gain nutrients from the bacteria and multiply in thousands and at the end they kill the cell. Okay? Cell means bacteria. Bacteria ko hi kha jate hain. Okay? So, they search that and kill the cell. Okay? So, these viruses are called, they are called bacteriophage virus. Okay, क्या कहते हैं इसको? Bacteriophage virus कहते हैं इन्हें. Okay, so all these are the characteristic of viruses. Okay, all these are the characteristic of Next is use. Useful and harmful. Okay, viruses are useful and harmful both. Okay, so use mein first. They are used to make vaccine. Vaccines are the substances or chemicals okay which is used to cure the diseases caused by virus okay so vaccine kya hai vaccine wo chemicals hain wo medicine hai jo virus ke through jo bimari hoti hai disease hoti hai use theek karte hain okay but remember one thing These vaccines are made by the viruses. वायरस से ही ये वैक्सीन बनती है और वायरस को से जो बीमारी होती है उसे ट्रीट करने के काम आती है क्लियर है सो फॉर एग्जाम्पल सेल पोलियो ओके दिस वैक्सीन इज मेड फ्रॉम दिस वैक्सीन Vaccine is made from polio virus. किससे बन रही है ये वैक्सीन पोलियो को ठीक करने के लिए पोलियो वायरस से बन रही है ना रेबीज के लिए होती है रेबीज इज द फेटल डिजीज ओके सो ये रेबीज जो है रेबीज इज क्योर्ड बाय और ट्रीटेड बाय anti-rabies vaccine okay anti-rabies vaccine so kahan se milegi made by rabies virus okay so anti-rabies vaccine kaise ban rahi hai रेबीज वायरस से बन रही है और किस बीमारी को ठीक कर रहे हैं रेबीज बीमारी को ठीक कर रहे हैं सिंपल सो वैक्सीन वो सब्सटेंस होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो वायरस से ही मिलते हैं उनसे ही बनाए जाते हैं सिंथेसाइज किए जाते हैं और उनके थ्रू जो बीमारी होती है उसे ही ठीक करने के लिए वो यूज होती है ओके नेक्स्ट इज यूजेस हो गए देन हार्मफुल वायरसेस है ना तो हमारे लिए हार्म कहाँ है ये हार्म कहाँ देते हैं या हार्मफुल वायरसेस क्या है हार्मफुल लिख देती हूँ हार्मफुल वायरस ओके सो हार्मफुल वायरस क्या होंगे सिंपल दे कॉज डिजीजेस ओके सो डिजीजेस लाइक इन प्लांट्स And as well as in animals, yeah, human beings. Animals, yeah, human beings. Humans, man.
ओके इन योर सिलेबस ओनली ह्यूमन बीइंग्स में जो भी इनके थ्रू डिजीज हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं ओके लाइक चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स कॉमन कोल्ड ओके बर्ड फ्लू एंड एड्स एड्स ओके एंड इन प्लांट्स ट्यूबरकुलोसिस मोज़ेक ओके एंड मोज़ेक इन प्लांट्स में मोज़ेक इन कॉलीफ्लावर फ्लावर सो एंड पीस में भी होती है सो ये उनके वायरस के थ्रू हार्म्स हैं.